तो फिर यहाँ पे क्लिक किया और शेप के शेड पर चले गए। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड आर्ट पर पहले लिख भी देता हूँ कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शेडो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया शेडो, तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया शेडो, तो शेड मतलब शेड। तो यहाँ पे क्लिक करके हम गए इसमें और इफेक्ट्स पे जाके हमने शेडोज अप्लाई किया। तो शेडो तीन तरह के हैं हमारे पास, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। आउटर में क्या होगा कि ये जो शेड है वो इसके ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ नजर आएगा आपको। अब उसको कैसे समझेंगे, देखिए इन्होंने आपको समझाने के लिए एक शेप दिया है और उसके साइड में अगर आप नोट करें तो शेड दिया है। अगर आप ये वाला स्टाइल यूज करेंगे तो शेड यहाँ आएगा, अगर आप ये वाला स्टाइल यूज करेंगे तो शेड नीचे आएगा, ये वाला यूज करेंगे तो लेफ्ट पर आएगा, ये यूज करेंगे तो टॉप पर आएगा। इस तरीके से शेड डिफरेंट जगहों पर आपको इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इनर पार्ट पे देखते हैं। तो शेड शेप के अंदर नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है, इनसाइड। आप देख नोट करें कि अब जो शेड है वो इनसाइड है, फोर कॉर्नर नाइन कॉर्नर्स की तरफ, जिधर भी आप देखना चाह रहे हैं। और अगर आप क्लिक करेंगे कि वो फिर पर्सपेक्टिव नजर आए तो इसके नीचे और इसके पीछे, इस लेफ्ट साइड पे पीछे, थोड़ा सा नीचे की तरफ टेढ़ा, थोड़ा सा इस तरफ टेढ़ा, यानी कि किसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा टेढ़ा है और उसका शेड भी टेढ़ा पड़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे पर्सपेक्टिव का। अब जो भी शेड का स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई तो हो जाएगा, अब इसको दोबारा रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए दोबारा शेडोज में जाएंगे और यहाँ पे सबसे टॉप पे नन शेडो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन सपोज भी अगर आपने कोई भी शेड अप्लाई किया है तो उसको फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे, फर्दर मॉडिफाई करने के लिए आपको फिर ये करना होगा, उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ से क्लिक करना है शेडो पे, शेडो पे जाके शेडो ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको देखना है कि किस तरह से इसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शेडो ऑप्शंस पे जब आप आएंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी है, साइज है, ब्लर है, एंगल है, डिस्टेंस है। अच्छा, ये पांचों ऑप्शन, ये दो चार जिस भी इफेक्ट पे नजर आएंगे इनका काम यही होगा। जैसे ट्रांसपेरेंसी क्या काम करेगा, शर्ट को गहरा करेगा या फिर उसको ट्रांसपेरेंट करेगा, हल्का करेगा, ठीक है। नंबर टू, साइज, शर्ट के साइज को कम कर देगा या बढ़ा देगा, ठीक है। ब्लर, शेड को बिल्कुल शार्प कॉर्नर के साथ ले आएगा या उसको ब्लर करेगा, हल्का धुंधला कर देगा इस तरीके से, ठीक है। एंगल, शेप का जो शेड का जो पोजीशन है उसके एंगल को सेट करेगा, जैसे सूरज का एंगल देखा है ना, इस तरह से पूरा आता है, इस तरह इसका एंगल है, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये किस एंगल पर रखना चाहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, इमेज और शेड का जो डिस्टेंस है उसको कंट्रोल करेगा, आपका एंगल इस साइड पर है, अगर एंगल इस साइड पर होता तो यहाँ का डिस्टेंस मेंटेन करेगा। सही, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, अब ये आपसे सेट नहीं हो रहा है, ये मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आपको इन्होंने प्री सेट्स में शेड दे दिए बने बनाए कि भाई चलो ये वाला यूज कर लो, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें, ये यूज कर लो, ये अच्छा लग रहा है, ये यूज कर लो, कौन सा अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो शेड लगा दो और ये तुम्हारे इमेज पे वो शेड अप्लाई हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आसान था, बहुत क्लियर था, क्लियर भी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, शेडो के बाद रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन यानी कि जैसे आप शीशे पे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो आप ही का रिफ्लेक्शन आपको सामने नजर आ रहा होता है, इसमें शेप का रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ नजर आएगा। अब वो डिफरेंट ऑप्शन से कैसे नजर आएगा, जैसे कि इस तरह से नजर आए, इस तरह से नजर आए और इस तरह से रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पता पड़ेंगे वही ऑप्शंस, ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, ये शेडो से रिलेटेड है और ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आ गए, ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, डिस्टेंस। सही है, वही देखें रिफ्लेक्शन कितना हल्का होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कितना रिफ्लेक्शन का साइज होना चाहिए, ब्लर कितना होना चाहिए और डिस्टेंस उसका इमेज से कितना होना चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। आपसे सेटिंग्स आउट हो जाती है कोई मसला नहीं, प्री सेट दोबारा मिल जाएंगे आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ग्लू, अब कितना ग्लू करेंगे, ठीक है ना, किस कलर में ग्लू कराना चाहते हैं, डिफरेंट कलर से, इस तरह का ग्लू करें, इस तरह का ग्लू करें, मोर कलर्स में चले जाएं तो और कलर मिल जाएंगे यहाँ पे, और कलर्स के साथ आप उसको ग्लू करा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ग्लूइंग स्टाइल हो सकते हैं जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला एक लगा देते हैं ग्लू स्टाइल, किससे ग्लू करेगा ये, ग्लो ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्री सेट्स में ग्लो ले लें,
और ग्लू लेने के बाद फिर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कलर एंड ट्रांसपेरेंसी के, जिससे ग्लू कितना डार्क और कितना लाइट होना चाहिए, ठीक है, और साइज उसका कितना होना चाहिए, सही है। और फिर आपसे सेटिंग्स आउट हो जाती है, तो प्री सेट्स में से आप दोबारा ले लें, वो आपको उसी स्टाइल में मिल जाएगा। आ रही है समझ? बात नहीं आ रही है? फिर ग्लो के बाद है सॉफ्ट एजेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पर देखिए आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे भी अभी हम ग्लो खत्म कर देते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन भी खत्म कर देते हैं और यहाँ से शेडो भी खत्म कर देते हैं। अब आते हैं सॉफ्ट एजेस पर। सॉफ्ट एजेस देखिए, एजेस कहते हैं शेप के किनारे, ये शार्प है। सॉफ्ट कितना करना चाह रहे हैं? देखिए पहला इतना सॉफ्ट, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, ठीक है, ऐसे हल्का सा भी एक निशान दे सकते हैं और कलर्स चेंज करके ये इस तरह के कलर्स पे भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप इसका भी डुप्लीकेट कर लें तो एक ये ले लें, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ मिक्स कर दें। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। बाद में भी इसको आप सेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसमें जाइए, इस पे जाइए एजेस में, ग्लो के सॉफ्ट एजेस हैं तो भाई ये इस तरह के एजेस शार्प चाहिए, लाइट डार्क से किस तरह के चाहिए, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा नॉर्मल कर दें इसको, इस तरह से नॉर्मल हो जाए। फिर एजेस के बाद, ग्लो के बाद आता है इसके बाद बी वेल। अब बी वेल में क्या होता है, किनारे बनाते हैं ना, ठीक है ना, कि उसके किनारे किस तरह के होने चाहिए। तो इसमें भी हम इसका आउटलाइन खत्म कर देते हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने एक उसमें यूज करना बताया था आपको बीवेल का। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट तरीके किनारे जब हम इस पे अप्लाई बनाते हैं इसके, तो हमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज टू बीवेल क्या के इस तरह का बनाना है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, इससे थोड़ा 3D लुक आने लग जाता है इसके अंदर। ये देखिए साइड्स इसकी थोड़ी सी थिक हो गई। अब साइड्स थिक हैं लेकिन थोड़ा शेड आ गया अंदर की तरफ, फिर एक लेयर बन गई। ये देखिए ये डायमंड का शेप आ जाएगा इसके ऊपर, अंदर की साइड हो गया, थोड़ा बाहर निकल गया और अंदर हो गया, डेप्थ हो गया, ऐसे हल्का सा निशान आ गया साइड्स पर। तो ऐसे अक्सर किस्म के आपने डिजाइन शेप्स के किनारों पे देखे होंगे, तो ये बीवेल के जरिए क्रिएट किए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक इस तरह से बना देते हैं, और इसी का एक जो दूसरा वर्जन है यहाँ रख के कंट्रोल डी करके उसको कुछ इस तरह से बना देते हैं। और इसको क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए अब ये ऐसा फील हो रहा है ये इसके अंदर है। इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के बीवेल्स भी आप इस पे लगा सकते हैं, कंट्रोल डी करके इसको यहाँ ले लेते हैं, और बीवेल खत्म करने के लिए भी आपको बीवेल को यहाँ से नन करना होगा ताकि शेप दोबारा से फ्लैट और स्लिम नजर आए। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास 3D रोटेशन। 3D रोटेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेप को इस तरह से 3D दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है, सीधा उठा हुआ लेटा हुआ इसमें कुछ इस तरह से दिखाना है, या थोड़ा टेढ़ा करके शेप दिखा रहा हूँ। लेकिन और प्री सेट्स में ये है कि जैसे इन सारे इफेक्ट से मिलकर कोई अच्छा इफेक्ट बनेगा वो आप खुद भी बना लें जैसे बताया है, नहीं तो बने बनाए इफेक्ट्स को यूज कर लें, जैसे ये वाला इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। चले हम ये वाला यूज करते हैं और फिर इसी को 3D रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे दिखाना है आपने, ठीक है, समझ में आ गई बात की। तो इस तरह से जिस तरह 3D में आप दिखाना चाह रहे हैं उस वैसे दिखा सकते हैं, तो चीजों को भी स्क्रीन के ऊपर रोटेशन एंगल पे भी दिखा सकते हैं, ओके। और अगर आप कभी इफेक्ट लगा दें 3D वाला तो उसको खत्म करने का तरीका भी यही है, 3D में जाना है यहाँ से नन कर देना है, और अगर आप प्री सेट दे दें तो उसका भी तरीका ये खत्म करने का, यहाँ से इसको
डन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे काम आप इस पे कर सकते हैं, सारे एफर्ट्स ऑप्शन से।